साजिद अहमद साहब ने पूछा है कि जो कॉल की फीस करने के लिए कोई डेडलाइन है, डेडलाइन इस में अगर उसके बाद हम पे करते हैं तो स्टूडेंट को बहुत मुश्किल हो जाएगी, शायद मुकम्मल करना मुश्किल हो, ठीक है, या डिफिकल्टीज आ जाए, तो कौन सा ऑप्टिमम टाइम है? अगर शुरू में पे नहीं करते हैं तो कौन सा डेडलाइन है या ऑप्टिमम टाइम है जिसमें ये जो कॉल की फीस पे कर दें और एग्जाम शुरू कर दें? एजुकॉल की फीस जितनी जल्दी पे करोगे इतना अच्छा है। अगर तुम्हें अलरजाक में आना है, अलरजाक में तुम्हें 1 साल के अंदर अंदर जो है ना तुम्हें एग्जाम अपना एजुकॉल का पास करना है, पार्ट 1 पार्ट 2 बोल, ठीक है ना, और अलरजाक की लैब्स कंप्लीट करनी है। अगर तुमने 12 महीने के अंदर सब कुछ खत्म कर लिया, जिसके लिए तुम्हें डेडिकेशन से 3 4 5 मतलब कि 4 से 5 घंटे रोजाना बैठ के पढ़ना पड़ेगा, अगर तुम वो कर लेते हो, ये तुम्हें तीनों चीज़ें अगर करनी, ठीक है ना, तो तुम्हें मिल जाएगा, तुम फिर हम जॉब प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं। लेकिन अगर तुम आराम आराम से कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तुम्हारे पास साल का टाइम है, लेकिन अलरजाक फिर तुम्हारे हाथ से निकल गया, देन यू कांट गो फॉर अलरजाक। अलरजाक के लिए तुम्हें स्पेसिफिक कंडीशंस मीट करनी है। ऐसा थोड़ी होता है कि तुम बोलो यार मैं पहले जिंदगी भर सारे गलत काम कर लूँ, आखिर में इस्तगफार करके मैं अल्लाह से बोलूंगा मुझे 7वीं लेवल की जन्नत में भेज दो, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू प्लान योर सेल्फ, यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ पहले से ही। अल्लाह के नज़दीक दो किस्म के बिलीवर्स हैं, दोनों में खैर है। एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर है, ये मेरा सीधा आता है, ये मेरा उल्टा आता है, एक एक ना वीक बिलीवर है। स्ट्रॉन्ग बिलीवर अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा अव्वल है, क्योंकि वो शुरू से लगा हुआ काम कर रहा है, ठीक है ना। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के वो शख्स बहुत पसंद है, कयामत के दिन 7 लोगों का अल्लाह अपना शेड देगा, अपने तख्त का साया देगा। उनमें से एक एक वो है कि जो है ना जवानी में से बुढ़ापे तक इस्लाम पे चलता रहा, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी कि यार आखिर में जाके तुम बोलोगे बस, तो फिर तुम उस लेवल पे पहुंचने के तुम्हें फिर भी मेहनत करनी, वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला हो सकता है तुम्हें वहां पहुंचा दे, ठीक है ना। बट यहाँ पर एक क्राइटेरिया है, जो क्राइटेरिया है वो हमने सेट किया हुआ है, अल्लाह ने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। अल्लाह ताला उस क्राइटेरिया को चेंज भी कर सकता है, मगर अल्लाह की अपनी मर्जी है, ठीक है, वो मालिकुल मुल्क है, जुल जलाल वल इकराम। तो हमारा उसमें वो उसका काम है, मेरा काम क्या है कि जो उसने हमें शरीयत जो सुन्नत दी है हम उसके ऊपर चलें, ठीक है ना। उसी को देखते हुए हमने प्रिंसिपल्स डिज़ाइन किए हैं, वो प्रिंसिपल्स हमारे उधर खड़े हुए। अगर आप अलरजाक और तमाम चीज़ों की जॉब गारंटी हर चीज़ चाहते हैं, आपको तमाम चीज़ों को रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फीस पे करके सब कुछ करके ख़त्म करके उधर से आगे बढ़ना है, ठीक है ना। अगर आप बिल्कुल आराम आराम से करते आ रहे हैं, आपकी मर्जी है, आप कर लो, बट दैट इज यू नो टू लाइक इट्स यू कमिंग वेरी लेट। यू विल स्टिल गेट द बेनिफिट, यस, ठीक है ना, यू विल स्टिल गेट द जॉब, नॉट थ्रू अस, यू विल हैव टू लुक फॉर द जॉब योर सेल्फ। अगेन, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें बिठाएं 100% जॉब गारंटी के ऊपर सब कुछ के ऊपर, तो तुम्हें सारी रिक्वायरमेंट्स पहले से मीट करनी। जी असल इसमें शुरू में फ़ायदा ये होगा कि इनको एक तो प्रेशर कम होगा इनके पास टाइम का, और दूसरा ये कि 70 पाउंड का हम इनसे इनका बर्डन शेयर करती कंपनी, उसका फ़ायदा भी होगा अगर शुरू में पे बिल्कुल करते हैं बजाय 250 के 180 पे करना पड़ेगा, ये भी बिल्कुल, एक फ़ायदा है। ठीक ये भी एक फायदा है है। सर, शुरू अगला में अगर सवाल। आप देते हैं 250 पाउंड उसकी फीस है, तो 180 पाउंड उनके पास जाते हैं, एजुकॉल के पास जाते हैं, उनका स्टैंडर्ड फीस है उनकी, और 170 पाउंड हमारे पास आते हैं। अगर आप शुरू में ही दे दें तो हम अपने 70 पाउंड वेव ऑफ कर देते हैं, ठीक है ना। और लेकिन अगर आप देर से देंगे तो फिर आपको 250 पाउंड देनी पड़ेगी।